एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा। तो कढ़ाई रख दिए है, अब इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। देखिए 5-6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। अब मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें राई डाल रहे हैं, पीली राई है, काली राई भी डाल सकते हैं। तो देखिए गाइस, सरसों चटकने लगा और इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च अब इसमें प्याज डाल रहे हैं। थोड़ा सा भून लेंगे। तो दोस्तों प्याज डाल दिए, कड़ी पत्ता भून गए, कड़ी पत्ता अब डाल दे रहे हैं, इसको भी डाल दें, इसमें थोड़ा भून लें। तो देखिए प्याज थोड़ा मेरा सॉफ्ट हो चुका है, इसका कलर भी उसको हटा देना। तो दोस्तों देखिए प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए अभी रहा सूजी, अब इसमें डालेंगे हम सूजी। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसको भूनने के बाद ये थोड़ा मसाला है, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मिर्ची और 1 टीस्पून नमक। आप नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो देखिए हमारा सूजी भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी मिर्च नमक। ये रहा हल्दी मिर्ची और नमक, इसको डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो गीला ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें हम नींबू डालेंगे थोड़ा सा। बस नहीं तो टमाटर भी है, ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा उपमा तैयार हो गया है, अब इसको हम निकालने जा रहे हैं। गैस बंद कर दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।